हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हलवा होता है, लगता है खाने में। और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें अच्छा लगे तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हलवा बनाने के लिए लिया है, मैंने यहाँ पे 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, छान लिया है, और उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया हुआ है बड़े चम्मच में, और चीनी मैंने 1/2 कटोरी ली है। टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े बादाम लिए हैं, 4 से 5 बादाम, और थोड़ा पिस्ता लिया है, और 3 इलायची मैंने ग्रीन इलायची ली है। इसे मैंने कूट के पाउडर करना है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं। तो कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। तो गर्म होने के बाद इसमें हम घी डालेंगे। आप घी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद तो और ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। तो ये घी गर्म हो रहा है, देखिए घी पूरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें आटे को डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे घी में, और हमें इसे बहुत ही अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं, नीचे से चिपकने लगते हैं। इसे हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से घी पूरे आटे में मिक्स हो गया है। हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए ऐसे ही भून लेना है। ये देखिए आटा भी धीरे धीरे स्मूथ होने लगा है। और पूरा रवे जैसे बनने लगा है आटा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये भुनना अच्छे से स्टार्ट हो गया है। हमेशा याद रखिए कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही भुनना है, लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए धीरे धीरे आटे का कलर भी चेंज होने लगा है। और अच्छे से पूरा ये रवे जैसा दिखने लगा है। इसे हमें और थोड़ा भुनना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा कच्चा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा और डार्क हो गया है इसका कलर। इसे हमें और थोड़ा 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से रोस्ट करना है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही थिक बनता है, और हम एकदम लो फ्लेम पे करके या फिर गैस को ऑफ करके इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम को ज़्यादा रखते हैं तो इसमें पूरी तरह से गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर बाद में हटती नहीं है। तो इससे अच्छा है आप गैस को बंद करके या फिर पूरा कम धीमी आँच करके
इसमें पानी डालें तो ये अच्छे से पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। ये देखिए, हम ऐसे ही इसे चला लेंगे, कंटिन्यू स्टर करेंगे। देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, सारी गुठलियाँ हट गई हैं और पूरा ये लिक्विड हो गया है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करते हैं। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ये देखिए धीरे धीरे ये पूरा गाढ़ा होने लगा है, तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। देखिए बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी देखिए चेंज होने लगा है, चीनी डालने से थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, कलर भी डार्क होने लगा है। आप इसे प्रसाद के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं, भोग के तौर पे। देखिए पूरी तरह से ये ठीक होने लगा है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, पूरा अच्छे से चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है। देखिए कितना ही स्मूथ दिख रहा है। अब हम इसमें जो मैंने इलायची ली है उसका पाउडर कर लिया है मैंने, उसे हम डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इलायची डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर इसका हलवे का। आप इसी तरह से आप बादाम या फिर सिंघाड़े का कतली भी बना सकते हैं। इसी तरह से प्लेट में आप स्प्रेड कर दीजिए, फिर पीस पीस कट करके ठंडा होने के बाद आप इसका कतली भी बना सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो के कितना अच्छे से पूरा थिक हो गया है और ये साइड साइड से घी भी रिलीज करने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इस प्लेट में हम थोड़ा घी को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं और इसी प्लेट में हम इस हलवे को निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए हम इसे स्पून की सहायता से ऐसे पूरा अच्छे से इवन स्प्रेड कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से एक समान हो। ये हमारा सिंघाड़े का हलवा बनके रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम ये जो मैंने कट किया है बादाम और पिस्ता, आप चाहे तो कोई भी ड्राई नट्स यूज कर सकते हैं, मैंने बादाम और पिस्ता यूज किया है। इसकी लेयर लगा देते हैं, गार्निश कर देते हैं। ये हमारा सिंघाड़े का हलवा बनके रेडी हो गया है। ये बनाइए, आप खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको